अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन है कोरोना की वजह से। घर में बैठ बैठ के थक गया तो मैंने कहा चलें खेतों की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये मैंने एक बकरी पाली हुई है जिसने पिछले दिनों बच्चे दिए हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, ये आप देख सकते हैं। घर में रहना तो काफ़ी मुश्किल काम है लेकिन ये ज़रूरी है। कोरोना को रोकने का वाहिद हल यही है कि अपने घरों में रहें हम लोग और बाहर ना जाएं, ताकि इससे हम भी महफूज रहें और हमारे दूसरे लोग भी महफूज रहें और हमारे घर वाले भी महफूज रहें। है थोड़ा मुश्किल काम लेकिन करना पड़ेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान के उस तरह अभी इतने ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला महफूज रखे इस बला से, इस वायरस से तमाम मुसलमानों को और तमाम दुनिया के लोगों को इस वायरस से बचाए। यहाँ भी गंदम भी तकरीबन तैयार है, 10-15 दिनों में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। इस दफ़ा हमारे यहाँ गंदम की जो फसल है वो बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी इसी तरह घरों में रहें और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस मौजी वायरस से जो है वो महफूज रखे, आपके बच्चों को महफूज रखे, यही हमारे लिए बेहतर है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।